चना दोस्तों बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अगर हम चने को रात भर भिगोकर सुबह खा लें तो ये कब्ज़ की समस्या को भी दूर करता है, और ये एनीमिया जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है उसको भी दूर करता है, और चेहरे में चमक नहीं आती तो उसके पानी से चेहरे धोने से भी चमक आ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों हम इसकी आज बना रहे हैं एक बेहतरीन रेसिपी। तो ये देखिए हमने चने को ले लिया है, इसको हम क्या करेंगे ओवरनाइट रात भर इसको पानी को रात भर चने को पूरा भिगो कर रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको खूब बढ़िया सा धो लेंगे। तो देखिए इसको हम खूब बढ़िया सा मसल मसल के धुलेंगे ताकि हमारा जितना भी ये चने की गंदगी होगी तो ये हमारी दोस्तों निकल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों हम इसको खुद इतना मल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितना काला सा पानी छोड़ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चने को ले लीजिए, तो इसको खूब बढ़िया सा आप धो लीजिए। तो आप इसमें काले चने भी ले सकते हैं। तो ये चना दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए दोस्तों इसके पानी को हम फेंक देंगे और 2 से 3 पानी में इसको खूब बढ़िया से धो लेंगे। तो ये देखिए हमने धो लिया, अब इसमें हम डालेंगे साफ़ पानी। तो ये देखिए दोस्तों हम इसमें देखिए हम इसमें डाल रहे हैं साफ़ पानी, और साफ़ पानी डालकर इसको हम रात भर के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे तक इसको हम भिगा के रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये साफ़ पानी अगर आप चाहें तो ये आप पी भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने साफ़ पानी रख लिया हुआ, इसको हम रात भर पानी को बढ़िया सा धो रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने रात भर इसको रखा हुआ था, तो हमारे देखिए खूब बढ़िया सा अच्छे से फूल के तैयार हो गए। तो चलिए हम बनाते हैं इसका खूब बढ़िया सा चने खाने के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये थोड़ा सा चना ले लिया हुआ है, और लेने के बाद इसको हम इसमें डालेंगे कुछ नमकीन सा। तो क्या डालेंगे, बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, सही में बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा तंदुरुस्त नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर खून की कमी है, तो रोज़ाना इस तरह सुबह आप थोड़ा सा चने खाइए तो बहुत फ़ायदेमंद कराएगा। देखिए इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ी सी एक कटी हुई प्याज डाल दिए हैं, एक टमाटर कटा हुआ डाल दिए हैं, इसमें डाल दिए 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब भुना हुआ जीरा डालने में इसमें डाल दिए हैं स्वादानुसार नमक, आप चाहे तो सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो काला नमक का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें डाल दीजिए हल्का सा नींबू का रस। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसमें डाल के इसको खूब बढ़िया सा हम इसको चला देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बन गया हल्का सा ब्रेकफास्ट, और इसको हम सुबह सुबह बढ़िया सा खाएँगे, चने का चुरमुरा बन गया है ना। तो ये देखिए दोस्तों चने का चुरमुरा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग चाय पीते हैं, चाय पीना बंद कर दीजिए, चाय बहुत नुकसान करती है दोस्तों। तो ये चने खाइए, चने सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है, खून की कमी को दूर करता है ना। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बातों ही बातों में पूरा सा तैयार हो चुका है। देखिए हमने इसको खूब बढ़िया सा कटोरी में निकाल लिया है, अब इसको हम चलिए चम्मच लगा लेते हैं, चम्मच लगा के इसको सर्व करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा।